जय शारदे माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, एज यू नो फ्रॉम 2nd of November एग्जाम्स आर गोइंग टू बी स्टार्टेड एंड वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड द सिलेबस, बट वी हैव टू डू द रिविजन. यू हैव ऑलरेडी गिवन द प्रैक्टिस शीट, इन दैट यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड रिवाइज द सिलेबस. नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी विल रिवाइज आर प्रैक्टिस शीट द सब्जेक्टिव पार्ट. सी the objective questions from question A to question E that you can do by yourself. If you have any doubt in that, you can have a call anytime. Okay, now today we will start from the question F, that is answer the following questions in one or two sentences. That means आपको इन सारे question के answer एक या दो sentence, maximum एक या दो sentence में देने हैं, not more than that. Okay, the first question is how many lines of longitude, latitude and longitude are there on globe. Globe per latitude or longitude ki kitni lines hai? There are 180 lines of latitude and 360 lines of longitudes. Okay, next, name the four hemispheres of the earth. Earth ke char hemispheres ke naam batao, that is northern hemisphere, southern hemisphere, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर. डन. नेक्स्ट, डिफाइन द प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ वर्ल्ड. द जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पास्ड फ्रॉम द ग्रीनिच नियर लंडन इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन. नेक्स्ट, वट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रिड ऑन अ ग्लोब. ग्लोब पर ग्रिड की क्या इंपॉर्टेंस होती है? ग्रिड इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द ग्लोब टू लोकेट और आइडेंटिफाई द प्लेसेस. किसी भी प्लेस को लोकेट या आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रिड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट, डिफाइन द फॉसिल फ्यूल्स. द फ्यूल्स विच आर फॉर्म्ड नेचुरली इनसाइड द अर्थ सच एज कोयल, गैस, पेट्रोलियम, दीज आर नोन एज द फॉसिल फ्यूल्स. हाउ अ फास्ट फ्लोइंग रिवर कैन बिकम अ नेचुरल रिसोर्स. अ फास्ट फ्लोइंग रिवर कैन बिकम अ नेचुरल रिसोर्स बिकॉज फ्रॉम दैट रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड. ओके, वट आर नेचुरल रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर is known as the natural resources. What is solar energy? The energy which we get from the sun is known as the solar energy. Why are the mountains cooler than plains? Mountains plain area se zyada cool kyun hote hain? Because mountains are located at higher altitude, that's why they are cooler than plains. Okay, how does humidity affect the climate of a place? Humidity किसी भी place के climate को कैसे affect करती है? It affect the climate of a place by causing rainfall. What is humidity? Humidity is the presence of water vapor in air. हवा में जो पानी की मात्रा होती है उसे humidity कहते हैं. And on that the rain depends. So rainfall करके जो humidity है वो किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर प्रिवेलिंग ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ स्मॉल एरिया. किसी भी थोड़े समय के लिए छोटी सी जगह पर जो वेदर कंडीशन होती हैं, एटमॉस्फेयर होता है, उसे हम वेदर कहते हैं. एंड अपोजिट टू दैट, climate is the average of weather conditions over a long period of time across a large area. एक बहुत बड़े एरिया पर बहुत लंबे समय तक जो एवरेज वेदर कंडीशंस होती हैं उन्हें हम क्लाइमेट कहते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द कूलिंग इफेक्ट ऑफ सी? सी का कूलिंग इफेक्ट क्या होता है? सी, इन समर्स जो सी ब्रीज होती है वो कूल होती है और वो लैंड की हॉट एयर को कूल कर देती है
और विंटर्स में क्या होता है, जो सी की वार्म ब्रीज होती है वो लैंड की कूल एयर को थोड़ा सा हॉट करती है. दिस इज कॉल्ड द कूलिंग इफेक्ट ऑफ सी. ओके, नेक्स्ट, नेम द कॉन्टिनेंट्स वेयर द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट लाई. आपको उन कॉन्टिनेंट्स के नाम बताने हैं जिनमें इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट लाई करता है. देर आर थ्री कॉन्टिनेंट्स, दैट इज एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. नेक्स्ट, व्हाई आर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट नॉन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट नेवर शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम. दैट्स व्हाई दे आर नॉन एज द एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके, व्हाई आर नेक्स्ट, राइट अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन द इक्वेटोरियल रीजन. दैट मीन्स आपको इक्वेटोरियल रीजन में जो लोग रहते हैं उनके बारे में बताना है. हियर यू हैव टू राइट बंटू ट्राइब्स आर फाउंड इन जायर बेसिन. सेकेंड, जावाज एंड कुबूज आर फाउंड इन इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ सुमात्रा. ओके, नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक इक्वेटोरियल रीजन हैज अ लग्जीरियंट प्लांट कवर. कि इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज्यादा प्लांट्स क्यों होते हैं? बिकॉज इट रिसीव्स द रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एंड दे नेवर शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम. इसके दो रीजन है, एक तो यहाँ पर पूरे साल बारिश होती है और दूसरे यहाँ के जो ट्रीज हैं वो एक साथ अपने लीव्स को शेड नहीं करते. ओके, व्हाट इज एन ओएसिस. ओएसिस क्या होता है? अ पैच, स्मॉल पैच ऑफ लैंड कंटेनिंग वाटर इन डेजर्ट एरिया इज कॉल्ड ओएसिस. डेजर्ट एरिया में वो छोटा सा हिस्सा जमीन का जहां पर पानी होता है उसे ओएसिस कहते हैं. ओके, विच ट्राइब्स लिव इन डेजर्ट. डेजर्ट में कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं? डेजर्ट में, डेजर्ट एरियाज में मेनली थ्री ट्राइब्स होती हैं. बेडुइंस विच इज फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका एंड अरेबिया. सेकेंड, टोरेक्स विच इज फाउंड इन वेस्टर्न सहारा. थर्ड, भील्स एंड बंजाराज विच इज फाउंड इन थार डेजर्ट. क्लियर, व्हाई डू प्लांट्स हैव लॉन्ग टैप रूट सिस्टम इन डेजर्ट. जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें लॉन्ग रूट्स क्यों होती हैं? बिकॉज डेजर्ट्स आर द ड्राई रीजन एंड दीज प्लांट्स नीड टू पेनिट्रेट वाटर फ्रॉम द वेरी डीप इन साइड द अर्थ. जमीन के बहुत नीचे से उन्हें पानी अब्जॉर्ब करना पड़ता है, इसलिए इनका जो लॉन्ग टैप रूट सिस्टम होता है. नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक द माइनिंग इज द इन द डेजर्ट इज अ चैलेंज. आपको क्यों लगता है डेजर्ट में जो माइनिंग है वो एक चैलेंज है? बिकॉज कि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ही हार्श होती है एंड बिकॉज ऑफ दीज हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन माइनिंग इज वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो कॉन्टिनेंटल होता है, जो विच इज वेरी हॉट, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है विच इज वेरी हॉट इन समर्स ड्यूरिंग द डे एंड विच इज वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट. और यहाँ पर सैंड स्टॉर्म्स आते रहते हैं. सो माइनिंग इज वेरी डिफिकल्ट ओवर हियर. नेक्स्ट, नेम द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज फाउंड इन द ग्रासलैंड. ग्रासलैंड में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? मेनली यहाँ पर थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं, मीट पैकिंग इंडस्ट्रीज, ऑयल एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज. ओके, नेम द क्रॉप्स ग्रोन मेनली इन प्रेरिस. प्रेरिस में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं? प्रेरिस में वीट, बार्ले, रे, फ्लैक्स और ओट्स, ये क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. हु कन्वर्टेड द ग्रासलैंड इनटू फार्मलैंड. किसने ग्रासलैंड को फार्मलैंड में कन्वर्ट किया? दैट इज यूरोपियन सेटलर्स. यूरोपियन सेटलर्स थे जिन्होंने ग्रासलैंड को फार्मलैंड में कन्वर्ट किया. नेम द ग्रासेस यूज्ड एज द फॉडर फॉर एनिमल्स. एनिमल्स के फॉडर के लिए कौन कौन सी ग्रासेस यूज होती हैं? दैट इज एल्फेल्फा एंड क्लोवर. ये दो टाइप की ग्रासेस हैं, एल्फेल्फा एंड क्लोवर, जो कि एनिमल्स के फॉडर के लिए यूज होती हैं. व्हाई प्रेरिस आर कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड. प्रेरिस को वर्ल्ड का ग्रेनरी क्यों कहा जाता है?
बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन डन इन द पेरिस ग्रासलैंड, क्योंकि पेरिस ग्रासलैंड में पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं. व्हाई डू यू थिंक द प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, जो प्लेन एरिया होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, क्यों? बिकॉज द प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल देन द प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स, क्योंकि जो प्लेन एरिया होते हैं वो प्लेट्यूज और माउंटेन से ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ईजी होता है, सो इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं. नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म. यस, एज वी नो, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है. समवेयर इट इज़ फ्लैट, समवेयर इट इज़ रफ, अनडलेटेड, इट हैज़ माउंटेन्स, इट हैज़ प्लेन्स, इट हैज़ प्लेट्यूज. सो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म. ओके, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स. आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स के नाम बताने हैं. मेनली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ डेजर्ट, दैट इज हॉट डेजर्ट, टेम्परेट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. क्लियर? राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक एंड वॉल्केनिक माउंटेन. आपको ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन का कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना है. देर आर मैनी ब्लॉक माउंटेन्स एंड मैनी वॉल्केनिक माउंटेन्स. आप उसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं. सी, ब्लॉक माउंटेन्स आर वॉसगस, ब्लैक फॉरेस्ट, सैरा नेवादा, दैट सतपुरा एंड विंध्याचल, ये सारे ब्लॉक माउंटेन्स हैं. इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं. वॉल्केनिक माउंटेन, दैट इज माउंट फूजी, माउंट एटना, माउंट वेसुवियस, माउंट किलीमंजारो. सो फ्रॉम ऑल दीज यू कैन राइट एनी वन. ओके, नेक्स्ट, वट इज डीफॉरेस्ट्रेशन. डीफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, और यू कैन से द केयरलेस कटिंग ऑफ ट्रीज इज नॉन एज डीफॉरेस्ट्रेशन. नेक्स्ट, नेम द मेजर एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के चार मेजर एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. ओके, वाई द अर्थ इज नॉन एज द ब्लू प्लैनेट. अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? अर्थ इज नॉन एज द ब्लू प्लैनेट बिकॉज द 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वॉटर एंड इट लुक्स ब्लू फ्रॉम एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी. दैट्स वाई इट इज नॉन एज ब्लू प्लैनेट. नेक्स्ट, वट इज एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. इकोसिस्टम वो स्पेसिफिक एनवायरमेंट होता है जिसमें कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है. और इकोसिस्टम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. हर सारे वर्ल्ड का इस इकोसिस्टम एक नहीं होता. जैसे मोरबी में अलग है, अहमदाबाद इट्स डिफरेंट, राजकोट इट्स डिफरेंट. तो हर एक जगह का इकोसिस्टम अलग अलग होता है. ओके, इज लाइफ विदाउट वाटर पॉसिबल ऑन अर्थ? क्या अर्थ पर पानी के बिना लाइफ पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वाटर इज द असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सबके लिए पानी जरूरी है. वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर. सो लाइफ विदाउट वाटर इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ. Why do you think is it is our duty to protect and save our environment? आपको क्यों लगता है कि ये हमारी ड्यूटी है एनवायरमेंट को सेव और प्रोटेक्ट करना? बिकॉज दिस एनवायरमेंट इज नेसेसरी फॉर आर एग्जिस्टेंस. ये एनवायरमेंट हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है. हम इसमें एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये हमारी ड्यूटी है टू सेव एंड प्रोटेक्ट इट. ओके, क्लियर? नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज एफ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंसेस. क्लियर स्टूडेंट्स?